सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के किसान सम्मेलन में भाग लेने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर प्रेस वार्ता के दौरान जानलेवा हमला करने और असफल होने पर काली स्याही फेंकने के मामले में भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। यहां उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं किया गया था। इसके हमले के बाद पुलिस वहां मूड दर्शक बनी रही। भारतीय किसान यूनियन के आरोप लगाया है कि किसान नेता पर हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। भारतीय किसान यूनियन इस घटना की घोर निंदा करता है और मांग करता है कि इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन के विरोध में आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, ज्ञापन तो मैं तो ये कहूँगा प्रत्यक्षदर्शी हुआ करती है मीडिया, और आज भी मीडिया प्रत्यक्षदर्शी है। ये जो हर जनमानस के किसान के आत्मा को जो ठेस पहुँची है, जो माननीय राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के और किसान नेता के नाम से पूरा भारत उन्हें पहचान रहा है, विश्व में पहचान है, तो मैं ये कहना चाहूँगा उनके साथ में ये जो गलत कार्य किया गया है स्याही फेंक करके, वो सरकार की बहुत बड़ी शिथिलता है। क्योंकि इस तरह के एक जननेता के सुरक्षा के लिए उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो वहाँ सुरक्षा देखे, और ये जो कृत्य किया गया है, हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री और जो है भारत सरकार से कि इस बात की गहनता से जांच कराए, क्योंकि देश के किसान के साथ में इस तरह का कृत्य होगा तो ये लोकतंत्र का गला घोंटना है, लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसके मतलब है कि कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो किसान की आवाज़ उठाने का काम करेगा उसके साथ में इस तरह की साजिश हो सकती है, हो सकता है उसका मर्डर भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम चाहेंगे कि माननीय राकेश टिकैत जी को बड़े स्तर पर सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे देश का माहौल न बिगड़े। किसान बिरादरी को जो एक ठेस पहुँची है, उनको ऐसा लगे कि सरकार किसान के साथ में न्याय कर रही है, और जो 13 महीने जो लगातार बैठने का काम किया किसान ने अपनी मांगों को लेकर के, उनके लिए आश्वस्त किया गया था कि वो हल की जाएंगी, उन सब पे विचार करके तुरंत निर्णय ले। ये हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस पे बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष जी, बताएं जो ज्ञापन दिया आपने किस संबंध में? देखिए, कल हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ में बेंगलोर कर्नाटक में जो घिनौना कृत्य जिन्होंने किया है, सोची समझी साजिश के तहत किया है, जहां बीजेपी की सरकार है उस सरकार के संरक्षण में किया गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज पूरे भारत में हर जनपद में जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ये बताने का काम किया गया है कि आपकी सरकार में, आपकी बीजेपी की सरकार में इस तरीके के किसान नेताओं के साथ में घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं, ये बड़े शर्मनाक हैं, इस पर विचार करें। अन्यथा की स्थिति में अगर किसान बिगड़ गया तो फिर आपके संभाले नहीं संभलेगा। इसे अभी समय है, इसको संभाल लो। अभी जिला अधिकारी कार्यालय पे आपको अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही, क्या मामला है भाई? अधिकारी संवेदनशील नहीं लग रहे। जिला अधिकारी कार्यालय पे किसान घंटों से खड़ा है, कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आ रहा। ज्ञापन के लिए बुलाया भी गया अधिकारी को तो खिड़की से झांक करके अंदर चले गए, संवेदनशील नजर नहीं आए। इसे लेकर के थोड़ा से कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। कितनी देर बाद आए? 5-7 मिनट में निकल के आए जी। किसको दिया गया ज्ञापन? कोई SDM है यहाँ पे, डिप्टी कलेक्टर उनको दिया गया है। कल जो बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में टिकैत साहब के ऊपर स्याही फेंकने का कार्य किया गया है, वह केवल टिकैत साहब की का अपमान नहीं है, पूरे भारतवंश में किसान मजदूर जिनकी आवाज़ उठाते हैं टिकैत साहब, सबका अपमान है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है कि जिन्होंने भी ये घृणित कृत्य किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और टिकैत साहब को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर इस पर जल्दी अमल नहीं किया जाता है तो भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई मथुरा अपने अपने जिलों में आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार रघुवंशी।